ये वाले दोनों बच्चे हैं और ये पेड़ है? नहीं, दोनों मेल है। दोनों भी मेल बच्चे हैं जी। क्या साइज़ है इनके कान का? अभी तकरीबन होना चाहिए इनके 14 इंच लंबा है अभी से। और कितने महीने के अभी है? ये 2 महीने के हैं। 2 महीने के हैं, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बकरी। देखिए आप, कान का साइज़ वगैरह सारी डिटेल हम देखेंगे। और इसके बाद में ये एक पार्ट है आपके पास, और इसके कान का साइज़ थोड़ा खोल के देखने में मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर ये है आपके पास, और ये नर बच्चा है। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज औरंगाबाद में और बहुत शानदार यहाँ पर सेटअप बतलाऊँगा, और बहुत पुराने जो शौकीन हैं जिसका थ्रेडिंग का भी काम है, उन हस्तियों से भी मिलाऊंगा मैं यहाँ पर आप लोगों को। सारी डिटेल हम बात करेंगे, और यहाँ के जो ओनर है उनसे भी हम सारी डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, तेरे से भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद शेख है। जावेद शेख भाई, जी। औरंगाबाद में कहाँ पर है आपका काम? ये औरंगाबाद में सेंट्रल बस स्टैंड के पीछे रशीद मामू कॉलोनी में। अच्छा जी। और कौन सी ब्रीड में काम कर रहे हैं आप? जी ये हैदराबादी है, प्योर हैदराबादी। प्योर हैदराबादी, कंप्लीटली पूरा सेटअप आपका हैदराबादी में? यस यस जी। और जो आपके बाजू में है भाई, उनसे हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा माइक दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरे से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। गुड्डू भाई, आपको तो सभी पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुराने शौकीन। जैसे हम बहुत ज़्यादा आपका नाम सुने हैदराबाद में, जी। तो औरंगाबाद में जो नाम है आपका, और जो फेमस नाम है ऑल इंडिया में, गुड्डू पार्टी के नाम से जी। तो आप कौन सी ब्रीड में काम करवाते हैं ज़्यादा लोगों में? अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी और सानियन, बेल्टम में भी जी। और ये सारे एग्जॉटिक रहते ना जी, यानी बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर, प्योरिटी के अंदर काम करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया आप हिंदुस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासे उसमें चले गए शहरों में, ज़्यादा था जैसा तकरीबन सभी स्टेट में पहुँच गए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन से बकरे के ऐसे जो लंबे कान देखे आप, क्या साइज था उसके कान का? अभी लास्ट टाइम पे मैंने सलाउद्दीन भाई को एक बकरा भेजा था जी, अनमोल का बेटा हैदराबाद में जी। जी दरअसल सलाउद्दीन भाई बोले तो मेरे उस्तादी है, उस्तादी चाहिए था मुझे, और हैदराबाद में मशहूर भी है जी। लेकिन जैसे आप कैमरे के सामने नहीं आते, और पीछे बहुत बड़ा काम है आपका जी, तो उनका भी वैसे ही काम है थ्रेडिंग के अंदर जी। जी और अभी हैदराबाद आप वो बकरा भिजाए हुए अनमोल का जो बेटा है जी, कितने कान थे उसके? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह उसके 21 इंच कान होंगे। 21 इंच जी जी, 21.5। अच्छा 8.5 चकलान और 21 इंच लंबा, जी वाइट कलर में था। बहुत शानदार है ना? अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक पार्ट बताऊंगा मैं आपको। अच्छा यहाँ पर है आपके पास जी, और बहुत शानदार क्वालिटी के अंदर ये वाली देखिए, अब मैं इंशाल्लाह करीब से भी बतलाऊंगा ये जी। और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत पुराने शौकीन है ये सब लोग, तो मैं सारी थोड़ी सी डिटेल बात भी करूंगा इसके अंदर जी। आपके पास एक भाई है जी, आपसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? नवीद खान। नवीद खान, नवीद भाई ये आपका और आपके भाई का नाम? जावेद शेख। तो जी आप दोनों का सेटअप है? जी जी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में जानवर यहाँ पर जमा करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन सभी को बतलाना चाहूँगा, बहुत प्यारा कलेक्शन है। जैसे आप बाजू हैदराबादी के जो बेबी गोट्स देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल गुलाबी में है और कोई रिंकल वगैरह नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल साफ सुथरे है। कभी कब से है आपके पास ये सेटअप बना हुआ? 2.5-3 साल हो गए जनाब। 2.5-3 साल जी। और कैसा शौक पैदा हुआ आपके पास? एक्चुअली शौक तो हमको बचपन से ही था, फिर हमारी मुलाकात गुड्डू भाई से हुई, तो उन्होंने शौक कराया हमारे को और उन्होंने बकरे दिलाए हमारे जानवर। लोगों को बतलाने के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे कोई शक नहीं है गुड्डू भाई के काम पे, आप बतलाइए गुड्डू भाई कुछ डिटेल। जी माशाल्लाह गुड्डू भाई का काम एकदम क्लियर है, साफ सुथरा काम है, जो भी है ऑन द स्पॉट बोलते हो और अपने सामने सामने सब करते हो, अपने पीठ पीछे कुछ भी नहीं करते, सब अच्छा काम है गुड्डू भाई का। गुड्डू भाई से तो बहुत ज्यादा तफसील में बात भी करना है, एक और भाई आपके बाजू है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरे से भाई, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज खान। शहबाज खान, तो आप क्या करते? कुछ नहीं, हमारे दोनों भाइयों के साथ शौक करते। अच्छा आप भी शौक करते जी, बकरियों का शौक आपको भी है? जी जी। आपके पास है कुछ जानवर? नहीं, बस ये हमारे भाई के साथ ही इधर ही दिन भर यहीं रहते बस बकरियों में। चलिए बहुत अच्छी बात है, जानवरों से शौक रहना भी चाहिए और बहुत अच्छा कारोबार भी है। जैसे सुन्नत है बकरियां पालने का, और नायाब बकरियों का कलेक्शन रखना भी बहुत अच्छी बात भी है, एक ब्रीड को लेके चलना पालना बहुत बड़ी बात है। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा गुड्डू भाई से जी। गुड्डू भाई कब से कर रहे हैं आप काम, यानी कितने साल हो गए आपकी लाइन में?
अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 साल हो गए इसमें। 18 से 20 साल माशाल्लाह। और जैसे आप बतलाए थे कुछ स्टेट्स के नाम बतलाइए, जैसे कहाँ कहाँ बहुत अच्छे नायाब बकरे पहुँचाए आप। स्टेट के अलावा तो मैं तो समझो ज़्यादातर मैं बॉम्बे में भिजाया हूँ। बॉम्बे में ज़्यादा हुआ काम आप। अहमद मुस्तफ़ा, हाँ इनका। अभी आप ये बताइए कौन सी ब्रीड अभी आपके पास अवेलेबल है जो आपके फार्म पे है। मेरे कने अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हैदराबादी में है, सानियन में है और बेल्टम में है। और ये सारे जानवर देखने लायक है ना, यानी बिल्कुल एग्जॉटिक और प्योर क्वालिटी में है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई शौकीन को अगर चाहिए तो वो सब सेल के लिए अवेलेबल करवाएंगे आप? इंशाल्लाह करा सकते। यानी आपके जो फार्म पे वो सब सेल के लिए है अवेलेबल? नहीं अभी तो ज़्यादातर शौक के हैं। अच्छा शौक के भी है, मगर आप शौक भी करते हो ट्रेडिंग भी करते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो सेल के लिए जानवर है वो एक नज़र बतला लेंगे हम, इसके बाद फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है भाई का वो डाल देंगे आपके चैनल पे इंशाल्लाह, फिर वहाँ पर आपका नंबर भी बताऊंगा मैं। तो जो सारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बतलाना चाहूँगा ये जो सेटअप है मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा और सारा लुक बतलाऊँगा आप लोगों को एक बार सेटअप का, फिर जो सेल के लिए है वो भी बतलाऊँगा। तो ये वाले बच्चे देखिए आप माशाल्लाह, ये सेल के लिए अवेलेबल है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सेटअप बतलाऊँगा यहाँ पर। अच्छा भाई ये जो बकरी है आपके पास कितने साइज के कान हैं इसके? इसका आना चाहिए 16 इंच कान आना चाहिए। 16 इंच लंबा जी। और चकलान? चकलान 7। 7। और 3 थन वाली बकरी है, दूध वाली भी है माशाल्लाह। इसके बाद में फिर यहाँ पर एक है और ये सारे नॉट फॉर सेल है, जो बेबी गोट्स है यहाँ पर वो बतलाऊँगा मैं आप लोगों को जो सेल के लिए अवेलेबल रहेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी बकरी देखिए आप, कान का साइज़ वगैरह सारी डिटेल हम देखेंगे और बहुत खूबसूरत अंदाज में प्योर हैदराबादी ब्रीड के अंदर हाइट लेंथ इसकी। गुलाबी कलेक्शन भी है यहाँ पर, नासी भी है। क्या एज वाली बकरी है भैया? एक मिनट, ये तकरीबन 2.5 साल की होंगी। 2.5 साल के आसपास। और क्या साइज़ है इसके कान का? इसके कान का 17 साढ़े 7। 17 इंच भाई, 7.5 इंच जी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके बाद में फिर ये एक है नासी अबलग बकरी, और ये गाभे या खाली है? ये भी खाली है। खाली है जी। और कितने लीटर दूध दे रही होंगी अभी? नहीं इसके बच्चे अभी। बच्चे हैं नहीं, अंदाजा कितने लीटर दे सकती है कैपेसिटी इसकी? भाई हम दूध तो नहीं निकालते इनका, बच्चों को भी पिलाते हैं। एक एवरेज 1 लीटर के आसपास रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा रहेंगे। और क्या साइज़ है इसके कान का? इसके कान का 18.8 है। 18 इंच भाई, 8 इंच जी। ये भी कोई ब्रीड लाइन से है? ब्रीड लाइन से है। कौन सी? ये दबंग बोल के अपने इनका था ताहिर भाई हैदराबाद वाले, अच्छा उनके बेटे की बेटी है। अच्छा जी। और ये वाली भी ब्रीड वाली है? ये ब्रीड वाली थे। ये कौन सी नस्ल में है? ये एक ताहिर साहब ने भिजाए थे। अच्छा ये भी ताहिर भाई के पास थी उनके ना उसमें से। अच्छा और एक और बकरा भी है आपके पास, और ये अभी आपका ब्रीडर मेल है जी। क्या एज है इसके अभी, कितने दांत पे है? ये तकरीबन अभी 4 साल का है। 4 साल का है और बिल्कुल गुलाबी? गुलाबी है। वाइट आइज में है। क्या हाइट होंगी गुड्डू भाई इसकी? इसकी हाइट होना चाहिए 38 इंच होना चाहिए। 38 जी। और क्या साइज़ है इसके कान का? इसके कान का भी 18 इंच लंबा और 7 इंच चकलान जी। माशाल्लाह हेवी ब्रीडर है जी। और इसके बाद में ये एक पार्ट है आपके पास, और इसके कान का साइज़ थोड़ा खोल के देखने में मज़ा आ जाएगा है। और इसके बाद में ये एक है और ये भी पार्ट है जी। और ये भी नॉट फॉर सेल है जी, लेकिन कान माशाल्लाह है, अल्लाह नज़र से बचाए उस सही में। बिल्कुल गुलाबी स्किन के अंदर है। और किसके पास की है ये? सलाहुद्दीन मैंने एक अनमोल का बेटा भिजाए थे, उसकी बेटी है। अच्छा जी। और अभी पार्ट है? पार्ट है। कितने दांत लगाई है? नहीं लगाई भी अभी, दांत लगाई है शायद। अच्छा जस्ट अभी लगाई भी है जी। और ये खाली है अभी? अभी लगी है, लोड है। अच्छा जस्ट फ्रेश गाभिन हुई भी है जी। और क्या साइज़ है इसके कान का? इसके कान का 20 साढ़े 8 है। 20 इंच लंबा, 8.5 इंच चकलान है जी। नेक्स्ट में फिर ये है आपके पास और ये नर बच्चा है, और इसके कान का साइज़? ये 17 साढ़े 7 है। 17 इंच भाई, 7.5 इंच है। और क्या एज है इसकी? ये अभी 11 महीने का है। 11 महीने का अदंत बच्चा है अभी जी। यानी कान और बढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गले की झालर वगैरह देखिए बहुत शानदार है, गुलाबी कलेक्शन है, और सबसे मेन कान मोटे बहुत है जो ब्रीड वाले आते जी।
बहुत शानदार। कौन सी ब्रीड है बताए थे अभी? ये अनमोल के उसमें से चटी है। ये भी अनमोल की ब्रीड में से है जी। यानी भाई के पास जो कलेक्शन है तकरीबन अनमोल का ही है जी। तो सलादीन भाई ने भेजे थे जी, बड़ा एक बकरा उसके। अच्छा, और इसके बाद में ये एक है और ये भी पार्ट है जी। और क्या साइज है इसके कान का? अच्छा, नहीं मसला है, ऐसे ले लो। क्या साइज है इसके कान का? इसका 17.7 है। 17 इंच लंबा, 7 इंच चकलान जी। और यही कान अगर किसी दूसरों के पास बकरियों को रहते तो क्या साइज बतला सकते थे? अभी तो यानी मेरे को यकीन है कि आप ओरिजिनल जो हकीकत है वो बतला रहे हैं जी, लेकिन लोग इसको और कम से कम 2 इंच बढ़ के बोल देते थे। सही है, खुले भी है कान, चौड़ान भी माशाल्लाह है, क्वालिटी है। और ये भी अनमोल ब्रीड से जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो चलिए, आपके पास जो सेल के लिए अवेलेबल है जानवर वो वाले भी देख लेंगे हम इसके अंदर। इसमें बच्चे हैं देखिए आप, और इसकी डिटेल लेंगे हम। ये वाले दोनों बच्चे हैं, और ये पेर है? नहीं, दोनों मेल है। दोनों भी मेल बच्चे हैं जी। क्या साइज़ है इनके कान का? अभी तकरीबन होना चाहिए इनके 14। 14 इंच लंबा है अभी से। और कितने महीने के अभी है? ये 2 महीने के। 2 महीने के, माशाल्लाह जी। और दोनों एक ही बकरी के बच्चे हैं जी? हाँ। क्या रेट बोल रही है ये बता दीजिए आप इसका? इनका 70। 70,000 में पेर है ये? जी हाँ। चलिए, पेर 70,000 है, और अजान हो रही इस वजह से मैं वीडियो अब बस ख़त्म भी कर दूंगा। तो जो नंबर है आप लोगों को टाइटल पे मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।